आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं केमी की स्ट्रीमर को, तो जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं KM PG 809। ठीक है, तो 809 स्ट्रीमर का नंबर है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये प्रॉब्लम सभी जो नए ट्रीमर है उनके अंदर आ रही है। तो यदि आपके पास भी इस तरीके का ट्रीमर है तो आप इसे इस प्रॉब्लम को देखकर इसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लूंगा। देखिए यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके जो सारे पार्ट्स है इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो यदि आपके पास भी इस तरीके का ट्रिमर है, इसकी पीसीबी खराब हो जाती है, तो इस कैसे रिपेयर करते हैं इसे, इसका डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाला हुआ है। और अभी इसका जो मेक प्रॉब्लम है उसे मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ट्रिमर के जो किस तरीके से ही वाइब्रेट कर रही है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आपने देखा किस तरीके से ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे किस तरीके से ठीक करते हैं, चलिए इसे आज समझने वाले हैं और इसे ठीक करने वाले हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें स्ट्रीमर को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं इसका इस ब्लेड को खोल लूंगा, इसके सारे पार्ट्सों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए हमारे पास। तो अभी ये हमारा हट गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए प्रॉब्लम इसमें यही है, इसमें जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ से टूट गया है, जिसकी वजह से जो इसकी ब्लेड है ये यहाँ से निकल गई है। तो अभी इसे कैसे ठीक करना है उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस ट्रिमर के जो सभी पार्ट्स है इसको ओपन कर लेंगे, हम सभी को खोल लेंगे। यहाँ से सभी पार्ट को हम ओपन कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। अभी हमने सभी पार्ट्स को खोल लिया है, ये इसका मोटर वाला पार्ट है और ये है इसका मेन पार्ट जो कि यहाँ से ये टूटा है हमारा। देखिए ये प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ से टूट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से टूटा है कि अब हम यदि इसे जोड़ भी दें तो यहाँ पर काफी तकड़ी वाइब्रेशन होती है, मतलब यहाँ पर हमारी काफी तेज वाइब्रेशन होती है जिसके कारण हमारा ये रुकेगा नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, चलिए आज हम इसे देखने वाले हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो आप इसका ये होल देख रहे हो, सबसे पहले हमें यहाँ पर होल बनाने होंगे दो, क्योंकि हम वायर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर दो होल बना दूंगा। दो होल किस तरीके से बना रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए। पहला होल हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अभी हमने पहला होल बना दिया है और अंदर की तरफ ये होल हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरा होल बनाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, किस तरीके से बनेगा दूसरा होल देखिए, यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ डालेंगे और यहाँ से हम इधर से भी इसे अंदर की तरफ डालेंगे। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से डाला आप देख सकते हैं, और दो होल नीचे की तरफ है। अभी हमारे दो होल बन चुके हैं यहाँ पर, एक होल ये रहा हमारा और एक होल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और दो होल जो हमने नीचे की तरफ बनाए थे सामने की तरफ, वो हमने कुछ इस तरीके से बना लिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से मैंने होल बनाए हैं। दो होल नीचे की तरफ है और दो होल ऊपर से निकाले। अभी हमने क्यों बनाए देखिए, इसे समझते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इस तरीके का तार ले लूँगा, ये आपको हार्डवेयर शॉप से आसानी से मिल जाएगा और इस तार का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर शॉप पे जहाँ पर लोहे के पार्ट्स मिलते हैं, जहाँ पर नट बोल्ट स्क्रू वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर ही आसानी से मिल जाएगा। तो अभी मैंने लगभग इतना बड़ा हिस्सा इसका काट लिया है,
इस तरीके के हम दो हिस्से काट लेंगे तार के, जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन, इसके बाद में इस जगह से इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहां से दो वायर हमने कट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दो वायरों को कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे यहां से, फिर उसके बाद में इस वायर को हम कुछ इस तरीके से यहां से मोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने मोड़ लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर जो हमने होल बनाए थे उन होल के अंदर सबसे पहले मैं नीचे वाले होल के अंदर इसको डाल लूंगा, देखिए हमारा तार नीचे की तरफ से आ गया। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखिए मैं नीचे वाले होल में डाला था तो उसके अंदर हमारा ये तार आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऊपर की तरफ निकाल लूंगा पेचकस की मदद से, तो इस तरीके से देखिए मैंने इस वायर को बाहर निकाल लिया है यहां से डालकर, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दूंगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी मैंने इस वायर को नीचे से निकाल दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी वायर को जो हमने दूसरा होल बनाया था ऊपर की तरफ उसमें डाल देंगे। देखिए जो दूसरा होल मैंने ऊपर की तरफ बनाया है उसके अंदर मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये किया है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, मतलब एक हमने नीचे की तरफ होल किया था जो अंदर से वायर आ गया और एक हमने ऊपर की तरफ किया था, ठीक है। तो इस वायर को भी मैं खींच दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दो वायर आ गए और इनका ये लूप आ गया है, ठीक है। सेम ऐसा ही हमने इसके बगल में किया था तो सेम इस जगह भी मैं इसको डाल दूंगा, तो सेम दूसरा वायर भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा और ये नीचे से निकल जाएगा और जो यहां पर हमने दूसरा होल बनाया है इसके अंदर हम इसको डाल देंगे वायर को। अभी हमने देखिए ये भी निकाल लिया है, ठीक है। इसे भी ऊपर की तरफ खींच लेंगे, इसे भी खींच लेंगे। तो अभी ये हमारा हो चुका है, देख लीजिए। तो चार तार हमारे इस तरीके से निकल चुके हैं इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये स्प्रिंग था, इस ये स्प्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से फिक्स होना है, तो इसे हम जो हमने लूप बनाए थे इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। देखिए मैं लूप बनाए थे इसके अंदर इसको इस तरीके से डाल रहा हूं, ठीक है। तो हमें इसको इसके अंदर फंसाना है ताकि यहां पर बंध जाए। तो देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया इसको, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हमारा इसके अंदर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से जो हमने वायर लिए थे इनको खींच लेंगे ऊपर की तरफ अपनी तरफ, ठीक है। मैं खींच लिया हूं इनको और जो दो ये वाले वायर थे इनको हम इधर की तरफ खींच लेंगे एक साथ मोड़ के और हमें इन्हें खींच लेना है, ठीक है। तो यहां से मैं इसे करके और इधर से खींच लूंगा,
ठीक है। तो अब हमने इसे को खींच लिया है और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम बिल्कुल लेवल में ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से घुमा देंगे, लूप दे देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे वायर को घुमा के, और सेम इसे भी हम इसी तरीके से कर देंगे। तो अभी देखिए हमने इसको यहाँ पर कर दिया है और ये वाला जो हमारा पॉइंट है अब ये फिक्स हो गया है। अब देखिए हम, अब हमारा ये हमने ऊपर कर दिया तो ये हमारा ऊपर की तरफ चलेगा। अब देखिए प्रॉपर हमारा स्प्रिंग की तरह ही काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बचे हुए पार्ट को इसको यहाँ से काट देंगे, और इसको काट देंगे, और इसके जो ये वाला पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे इसके, ताकि हमारा मोटर के साथ टच ना हो। तो ये मैंने अंदर की तरफ डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट है, अब हम हमारे सामान को वापस से पहले वाली पोजीशन में फिक्स कर देंगे। तो जो भी सामान हमने बाहर की तरफ निकाला था उसे वापस से अपनी पोजीशन में फिक्स कर देंगे। हमने हमारा जो मेन काम था वो कर दिया है, और जहाँ पर हमारा जो भी पार्ट लगा हुआ था उसको वापस से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी स्क्रू को कस दूंगा। तो यहाँ पर छोटे वाले स्क्रू लगे हुए थे हमारे पीसीबी के लिए, तो ये हमने यहाँ पर इसके स्क्रू टाइट कर दिए हैं। अब हम मोटर के लगाएंगे। अब हम इसी पोजीशन में एक बार मोटर को चेक कर लेंगे। तो देख लीजिए हमारी मोटर तो ऐसे रन कर रही है, ठीक है। अब हम हमारा जो मोटर का सेफ्टी गार्ड है इसे लगाएंगे यहाँ पर, जो कि ट्रिमर में बाल वगैरह आने से मदद कर बचाता है। तो अब इसके बड़े बड़े स्क्रू थे दो, तो हम उनको इसके अंदर वापस से फिक्स कर देंगे। देखिए दो ये स्क्रू थे इसके, तो इन्हें यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे हमने फिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पर हमारे इस पार्ट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब हम हमारा जो इस स्प्रिंग है इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। देखिए इसको मैं जहाँ पहले कनेक्ट था, देखिए इसका पूरा वाला पार्ट अंदर चले गया हमारा, और अब मैं इसके स्क्रू को यहां से कस दूंगा इसके साथ। अब देखिए इसको टाइट कर देते हैं हम, और इसको यहां से टाइट कर देंगे। तो अब हम ब्लेड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। देखिए अब मैं इसी कंडीशन में इसको ऑन करूंगा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये परफेक्ट काम कर रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। साउंड से आप सुन सकते हैं, न किसी प्रकार की हलचल। तो ये अब हमारा रिपेयर हो गया, तो हम इसको पूरे को पैक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट है, देख सकते हैं आप।
तो अभी परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।